सो हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि श्री शिशु रतन कॉलेज का एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। और इस वीडियो में पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप पूरा बताऊंगा कि कैसे कैसे फिलअप करना है स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, अगर आपको स्कूल मीन्स की ये कॉलेज में आपको पढ़ना है, तो डेफिनेटली पूरा वीडियो देखिए। स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन फॉर्म कैसे मैं फिलअप करा उससे ध्यान से देख देख के आपको करना है, ठीक है। तो जैसे आप श्री शिशु रतन कॉलेज आप सर्च करेंगे, जो पहला वेबसाइट होगा श्री शिक्षा यतन कॉलेज डॉट ओ आर जी, उस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे दिखेगा एडमिशन इन्फॉर्मेशन 2021 टू सर्विस रिक्वेस्ट कॉलेज पोर्टल, ये चीज पे आपको सर्च करना है, जिसकी आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे पूरा एडमिशन इन्फॉर्मेशन 2021-22 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है ना, आप थोड़ा नीचे जाओगे ना, डायरेक्टली यहाँ पे ऑप्शन आएगा क्लिक टू अप्लाई, ठीक है। यहाँ क्लिक टू अप्लाई पे आपको क्लिक करना है। क्लिक टू अप्लाई क्लिक कर लिए तो सबसे पहले आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आप फर्दर प्रोसेस करिएगा। तो आप अगर जो लोग पहले से बनाए वो लोग यहीं से डायरेक्टली लॉगिन मोबाइल नंबर और अपना पासवर्ड देंगे तो खुल जाएगा, ठीक है, आपका पोर्टल। लेकिन अगर आप न्यू कॉमर हो तो आपको क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करें एक फॉर्म खुल जाएगा, वो फॉर्म को धीरे धीरे फिलअप करना। जैसे कि ये पूरा गर्ल्स कॉलेज है, टोटली गर्ल्स है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं सारा बताऊँ, यहाँ पर क्या बोला, पहला फर्स्ट नेम बोला एज पर क्लास 12 बोर्ड एडमिट कार्ड। आपका क्लास 12 का एडमिट कार्ड तो नहीं है इस बार, तो जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में जो नाम है वही आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रानी, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद मिडिल नेम में कुमारी और लास्ट नेम में शर्मा। इस टाइप में आपको पूरा, अगर मिडिल नेम नहीं है तो नहीं देना है, लास्ट नेम देना है, लास्ट नेम तो होता ही है देना, ठीक। और ईमेल आईडी आपको अपना ईमेल आईडी देना, जिससे कॉलेज अपना आपको कॉन्टेक्ट कर पाए, कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो तो आपको ईमेल के थ्रू प्रोवाइड कर पाए, क्योंकि कॉलेज तो हर एक को फोन नहीं करेगा ना, वो ईमेल के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन देगा, तो आपको ईमेल देना है, ठीक है। अब डेट ऑफ बर्थ जो को आप क्लास 10 का बोर्ड का एडमिट कार्ड में है वो देना है, ठीक है। आप देख लीजिए 10 का तो एग्जाम हुआ है सबका, लगभग जिसका एडमिट कार्ड जो जो है डेट ऑफ बर्थ वो समथिंग आप दे दीजिए, ठीक है। और कैटेगरी आप SC ST है तो SC ST, OBC है तो OBC और जनरल है तो जनरल, 90% केसेस में जनरल होते हैं तो इसलिए जनरल पर क्लिक करते हैं। और इस कॉलेज में ना मारवाड़ी कम्युनिटी से कोई बिलोंग करता है उसके लिए स्पेशल कोटा होता है टाइप, ठीक है। इसलिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, डू यू बिलोंग टू मारवाड़ी कम्युनिटी, अगर जो है तो वो यस करे, जो नहीं है तो नो करे, ठीक है। और जनरल में देखिए तो सिर्फ फीमेल आ रहा है क्योंकि फीमेल कॉलेज है, ठीक है। मोबाइल नंबर बोलना, मोबाइल नंबर तो आपको अपना देना पड़ेगा, ठीक है, तो देते हैं। शुरू से बताऊं, कोई दूसरा मोबाइल नंबर देता हूं, ठीक है, आप देखते हैं। तो बोल रहा है डियर एप्लीकेंट, योर लॉगिन आईडी इज, लॉगिन आईडी मेरा ये है और पासवर्ड मेरा ये है, और आपका जो लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड जो यही फ्यूचर यूज के लिए, तो यू विल डायरेक्टली टू नेक्स्ट स्टेप, ओके करना है आपको, ठीक है। उसके बाद फर्दर आप इन्फॉर्मेशन आपको फिलअप करना है। सबसे पहले आप बोल रहा है एकेडमिक डिटेल्स, तो बोर्ड और यूनिवर्सिटी आपको फुलफिल करना है, ठीक है। तो आप कौन सा बोर्ड से हो, 12th का है, 12th का बोलना है आपको, तो जो भी है वो सारा बोर्ड का यूनिवर्सिटी मिल जाएगा। अगर कोई नहीं मिल रहा है तो आपको अपना यूनिवर्सिटी, अगर आपको नहीं मिल रहा है इसमें तो आपको अदर का ऑप्शन यहाँ पे दिया हो, अदर पे क्लिक कर सकते, ठीक है। तो नॉर्मली WB वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन ही रहता है, ठीक है। और अदर बोर्ड, अदर यहाँ अगर कोई यूनिवर्सिटी का अगर आपका नाम बोर्ड का नाम नहीं मिलता तो अदर पे क्लिक करो यहाँ पे, और अदर पे क्लिक करके आप उसका नाम लिख देना, ठीक है, तब हो जाएगा। उसके बाद आता है मार्क्स एंट्री, मार्क्स एंट्री करना है। अब आप 12th में हम बीकॉम कर रहे हैं, मान लीजिए बीकॉम कर रहे हैं, तो पहले आपको मार्क्स देना है, ठीक है, मार्क्स दीजिए। तो इंग्लिश फर्स्ट सब्जेक्ट में इंग्लिश ही मांग रहे हैं, देखिए यही सारा चीज में इंग्लिश, और टोटल मार्क्स ऑफ 10 समझ लीजिए 90 सपोज। उसके बाद इतना सारा है, बहुत सारा है, ठीक है। आप उसके में कौन सा दे, ऑलमोस्ट हर एक आपको है, ठीक है, सब्जेक्ट है, आप कौन सा देना चाहते हैं, आपको अपना कॉलेज मिल जाए, मीन्स की आपको अपना मिल जाए, जैसे कि अकाउंटेंसी जो कॉमर्स है, अकाउंट्स,
इसमें आपका 85 है समथिंग, ठीक है। उसके बाद बेस्ट ऑफ फोर लिया था जिसमें इंग्लिश आपको कंपलसरी दे दिया है। उसके बाद जो है लेना है आपको अकाउंट्स ले लिए, उसके बाद अगर आपको पोस्ट टैक्स लिए हो, पोस्ट टैक्स में अच्छा होता है तो वो मार्क्स दे दो, वो दे दिए। फिर जो फाइनल है आप कुछ भी दे सकते हो, मान लीजिए कोई इकोनॉमिक्स दे सकता है, जो आपको बेस्ट 4 मार्क्स आए वो अपने सिलेक्ट करना है। इंग्लिश कंपलसरी, बाकी 3 में जो बेस्ट आता है वो उसका मार्क्स आपको यहाँ पे देना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, तो डन कर देना, ठीक है। डन कर दिए, उसके बाद डिटेल्स, डिटेल्स एंटर करना। तो बोर्ड का रोल नंबर, 12th का बोर्ड नंबर देना है, ठीक है। 12th का बोर्ड नंबर जो भी होगा वो देना, इस बार शायद ये रोल नंबर देना, ठीक है। अच्छा, ये जो है ये एप्लीकेशन जो है, एक और चीज क्लियर करना है कि ये जो एप्लीकेशन फॉर्म, देखिए 2021 में निकला है फॉर्म जिसका, वो लोग शायद एप्लीकेशन यहाँ पे डायरेक्टली मेंशन किया हुआ, प्लीज नोट द एप्लीकेबल ये J2M। अच्छा ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है, ठीक है। तो बोर्ड रोल नंबर देखते हैं, बोर्ड नंबर रोल नंबर जो भी वो आपको पढ़ना है। समथिंग जो आपको बोर्ड रोल नंबर होगा रियल का वही आपको पढ़ना है, ठीक है। इंस्टीट्यूट आपको इतना सारा आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जो कॉलेज आप किए हो वही कॉलेज आपको पढ़ना है, ठीक है। सिलेक्ट कंट्री, आपको कंट्री अपना सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट स्टेट, स्टेट सिलेक्ट करना है कौन सा स्टेट से आपको एक्चुअल, ठीक है। ये नहीं कि आप वेस्ट बंगाल में पढ़ रहे हो तो वेस्ट बंगाल में करना, वैसा नहीं, ठीक है। आप अगर बिहार से हो गए यहाँ से तो इसमें बिहार से सिलेक्ट करना, वेस्ट बंगाल से तो वेस्ट बंगाल सिलेक्ट करना, और सिटी तो सिटी कोलकाता हो तो कोलकाता करना। मीडियम आप करना, कौन सा मीडियम में आप से पास हुए हैं, मीन्स की इंग्लिश मीडियम है कि इंग्लिश, हिंदी है, बंगाली, उर्दू है, ठीक है। इंग्लिश नॉर्मली होता है। ईयर ऑफ पासिंग आपका 2021 ही है, मीन्स की 2021 वाला का ही ले रहा है। कौन सा स्ट्रीम से हो तो नॉर्मली एक स्ट्रीम का बता रहा हूँ, तो बाकी आप पता चल जाएगा। साइंस है तो साइंस, कॉमर्स है कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज है ह्यूमैनिटीज, ठीक है। इसमें ये पूछ रहा है कि प्रीवियसली एडमिटेड इन एनी कोर्स अंडर कैलकाटा यूनिवर्सिटी, ऑब्वियसली आपका फर्स्ट टाइम होगा तो यस नो करना है। और आप पहले से मीन्स की कभी कर लिए हो एक कॉलेज में, फिर आप कॉलेज स्विच कर रहे हो तो इसमें आप यस कर सकते हो, नहीं तो नो। अगर ये यस करते तो आपको ये सब फिलअप करना पड़ता, ठीक है। ये क्लियर हो गया, बहुत जन के पास क्वेश्चन आएगा कि बोर्ड का रोल नंबर क्या देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको 10th का देना है, क्योंकि पहले जो पहले में था पहले में 12th का मांग रहा था, यहाँ पे आपको 10th का देना है रोल नंबर, ठीक है। क्योंकि 10th का ये सारा स्कूल है, ठीक है, आपको 10th का देना है, 10th का यहाँ रोल नंबर देना, ठीक है। क्लियर हो गया, उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। एकेडमिक डाटा सेव आ जाएगा, उसके मतलब आपका सही है, मींस कि आप सारा इन्फॉर्मेशन सही डाउनलोड करिए। उसके बाद कौन सा कोर्स में आपको एनरोल करना है, मान तो ये सारा कोर्स आपको डायरेक्टली आ जाएगा कि कौन कौन सा कोर्स में आप एलिजिबल हो। सारा कोर्स के साथ टाइमिंग आ जाएगा, डे है कौन सा आपका, मॉर्निंग है, ठीक है, इवनिंग है, सब कुछ आ जाएगा। मान लीजिए हम जैसे कॉमर्स बैकग्राउंड के, ऑब्वियसली हम पहले बीकॉम में करेंगे, बीकॉम में टिक कि मेरा मार्क्स में पहले बीकॉम वो करना है, बीकॉम ऑनर्स करना है। इवनिंग अगर मेरा मार्क्स थोड़ा कम है तो इवनिंग में भी सिलेक्ट कर लेंगे, इवनिंग में हो सकते हैं, मार्केटिंग भी कर सकते हैं। जितने कोर्स में आपको एलिजिबल अप्लाई करना है आप कर सकते हो, जिसमें उसके बाद फाइनली आपका मार्क्स आएगा तो आप डायरेक्टली कौन सा कोर्स में, सब कोर्स में आपका नाम आएगा, जिस कोर्स में फील्ड में जाना चाहते हो मिल जाएगा, ठीक है। कर लिए, इसके बाद आपको सबमिट करना है, ठीक है। सबमिट कर दिए और यहाँ पे टोटल एप्लीकेशन फीस लिखा हुआ 0, तो मे बी इस बार एप्लीकेशन फीस नहीं ले रहा है, ठीक है। तो कंटिन्यू विद सिलेक्शन करना है आपको, ठीक है। कोर्स डिटेल सेव, सेव हो गया आपका कोर्स डिटेल। उसके बाद फर्दर ये इन्फॉर्मेशन एडिशनल, अल्टरनेट मोबाइल नंबर आपका है तो दे दीजिए अल्टरनेट मोबाइल नंबर, ठीक है, जैसा भी है। ब्लड ग्रुप आपका क्या है, जो भी ब्लड ग्रुप का एक्चुअल है तो दे दीजिए। इंडियन, मार्शल स्टडीज सिंगल करना है आपको, माइनॉरिटी अगर मुस्लिम हो तो यस, नहीं है तो नो, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन लर्नर, फर्स्ट जनरेशन मीन्स की आपको
इसमें आपको नो करना है, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन नहीं, सॉरी यस करना है, भूल गए, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब रिलीजन, रिलीजन में आपको, आप जो भी रिलीजन से हो उस रिलीजन को फिलअप करना है, ठीक है। मैं तो हिंदू हूँ, मैं हिंदू में क्लिक करूंगा, फिजिकली चैनल हो तो यस, नहीं हो तो नहीं, ठीक है। आपको आधार नंबर देना, आधार कार्ड का नंबर जो भी होता है, आपको 12 डिजिट का अपना आधार कार्ड देना। सिंगल पेरेंट मीन्स कि पेरेंट आपका सिंगल है, मीन्स कि मम्मी पापा है या पापा है एक, तो मीन्स कि मम्मी है या पापा है, किसी किसी का होता है मम्मी पापा, मीन्स कि कोई डेथ कर जाते हैं, नहीं करते, ठीक है, तो वो कुछ चीज करना है आपको। सिंगल पेरेंट है ना, तो आपको यहाँ पे नो करना है। सेलेक्ट टाइटल फादर्स नेम, मीन्स फादर्स नेम का टाइटल मिस्टर, अगर आपको कोई मीन्स कि बहुत जन के होते हैं पापा प्रोफेसर होते हैं, डॉक्टर, ठीक है, तो ये सब लगा सकते हैं। अगर फिर डेथ हो गया हो तो लेट भी लगा सकते हो, ठीक है, नहीं तो मिस्टर। तो फादर नेम का, फादर नेम जो होता है वो आपका 10th का एडमिट कार्ड में भी होता है, 12th का भी होता है, वही चीज आपको देना है, ठीक है। सपोज करो राज शुक्ला समथिंग, ठीक है। फादर ऑक्यूपेशन क्या, बिजनेस है, बिजनेस, ये सारी चीजें आपको सिलेक्ट कर लेना। फादर का कॉन्टैक्ट नंबर दे दो, ठीक है, फादर का ईमेल है तो फादर का ईमेल आप दे दो, या फिर अपना ईमेल कोई अल्टरनेट इसमें दे दो, ठीक है। मदर का मिसेस जो बोर्ड में है, ठीक है, वही चीज देना, ठीक है, समथिंग जो भी है वो आपको देना है, ठीक है। मदर का ऑक्यूपेशन होम मेकर दे सकते हो, मैक्सिमम होते हैं ऐसे होम मेकर होते हैं मदर। उसके बाद अगर कुछ और है तो कुछ और आप कर सकते हो, मदर का कॉन्टैक्ट नंबर दे दो, ठीक है, मदर का ईमेल है तो ईमेल दे दो, नहीं तो आप अपना ही कोई ईमेल इसमें डाल देना, सेम ईमेल ही डाल देना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। परमानेंट एड्रेस आपको डालना है, कुछ भी, कुछ भी मतलब कि आपका जो एड्रेस होगा वही चीज डालना है। अगर कोई बाहर से हो तो कोई भी एक पर्टिकुलर एड्रेस दे देना, या फिर मीन्स कि आप अपना जो भी आधार कार्ड में एड्रेस है वही देना, एजेसी बोस रोड कोलकाता, जो भी है एक एग्जाम्पल के तौर पर एड्रेस दे रहे, ठीक है। सिलेक्ट कंट्री ऑब्वियसली इंडिया करना है आपको, सिलेक्ट स्टेट वेस्ट बंगाल, सिटी सिटी में आपको कोलकाता करना है, अगर आप कोलकाता से फोटो आपको और सिटी है तो डेफिनेटली करना। पिन आपका, पिन कोड आपका एड्रेस में लिखा होगा, वही पिन कोड आपको देना है, ठीक है। यहाँ पे अगर सेम परमानेंट एड्रेस और ये नॉर्मल एड्रेस सेम है तो इसमें सेम कर देना, ठीक है। आप रिलेशन टू गार्जियन, आपका गार्जियन का मीन्स के गार्जियन आप किसी एक का, किसी एक को गार्जियन बनाना है तो फादर को बनाओ, ठीक है, गार्जियन का आपका आ जाएगा, ठीक है। ये सारा जो ऊपर फिलअप किया था फादर्स नेम में, उसका उसका बिजनेस एक ऑक्यूपेशन आपको बाई डिफॉल्ट आ जाएगा, और ये सब भी आ जाएगा। अब एनुअल इनकम, ये ध्यान रखना, एनुअल जो फैमिली इनकम है आपको, अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो डेफिनेटली आपको अप टू 1.2 लाख में ही रखना है इनकम, नहीं तो आप स्कॉलरशिप मीन्स होता है ना, जो लोग टैक्स पेयर होते हैं, अगर आप ये मीन्स आपका इनकम अगर इस रेंज में आ जाएगा ना, तो फिर लगेगा कि आपका टैक्स पेयर है, तो टैक्स पेयर लोग नॉर्मली जल्दी नहीं मिलता है स्कॉलरशिप, इसलिए अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो आप तो 1.2 लाख में करेंगे तो मिल जाएगा, क्योंकि कोई लोग आपका इनकम सर्टिफिकेट नहीं देखेगा, मीन्स की जब मांगेगा तब कोई रियल में तो चेक करने नहीं आया कि आपको तो कितना इनकम है पापा का, ठीक है, कोई लोग बस डॉक्यूमेंट पे देखता है, तो ये चीज कर देना। और यही चीज अगर आप स्कॉलरशिप भरते हो तो इनकम सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है, यही चीज देना। कोविड वैक्सीन इन्फॉर्मेशन में क्या है, आप ये देना जरूरी है, आपको फर्स्ट डोज लग गया, सेकंड डोज लग गया, फिर नहीं लगा, नॉर्मली ऑलमोस्ट सबका लग गया फर्स्ट डोज, तो फर्स्ट डोज पे क्लिक कर दो। आप कोई स्पोर्ट्स कैटेगरी में बिलोंग करते हो या नहीं, यस तो यस, नो तो नो, ठीक है, और सबमिट कर देना, ठीक है। ये प्रोसेस था आपका, एडिशनल डाटा भी सेव हो गया। उसके बाद पेमेंट, पेमेंट अभी क्योंकि ले ही नहीं रहा है, क्योंकि अभी कुछ है ही नहीं पेमेंट इस बार शायद कोविड के चलते, इसलिए पेमेंट पे नहीं, तो सबमिट पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद क्या है ना, उसके बाद यहाँ पर जब हम देखेंगे क्लिक हियर टू प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, ये डायरेक्टली हम अगर प्रिंट पे जाते हैं तो मेरा खुद का मेरा एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, ये आप प्रिंट करके आपके नए पास रख सकते हो, प्रिंट करके कि हाँ आप किस कॉलेज में अप्लाई किए, ठीक है, नहीं तो अपने लॉगिन और यहीं से आप अपना पोर्टल में लॉगिन कर सकते हो, ठीक है, आप जो पोर्टल में लॉगिन किए थे वही पोर्टल में लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। अपना मोबाइल नंबर,
पासवर्ड दे के आप लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो यहां से आप लॉगिन कर लिए तो आपको दिख जाएगा कौन सा आपके एप्लीकेशन नंबर, आप कौन सा कोर्स एनरोल किए हो, पेमेंट कुछ नहीं है अभी, मेरिट लिस्ट स्टेटस कब अवेलेबल होगा, सब कुछ बता देगा यहाँ। ठीक है, आप यहाँ से हो सकता है जब तक रजिस्ट्रेशन क्लोज ना है शायद आप, हो सकता है तो आप शायद चेंज कर पाओगे आप, ये सब चेंज यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, यही था फॉर्म फिलअप, ऑलमोस्ट हर एक चीज हो चुका है, एवरीथिंग में बता दिया, पूरा फुल टू फुल फॉर्म फिलअप बता दिया, कैसे एप्लीकेशन फॉर्म भरना A to Z। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, और कोई और कॉलेज का डेफिनेटली जैसे आता है मैं बता दूंगा। सो थैंक यू सो मच, और कोई क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली बताइए।